विजयदशमी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही उज्जैन के दशरथ मैदान में भी विशालकाय रावण के पुतले का दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में धूमधाम से मनाया गया। उज्जैन में रावण दहन का मुख्य आयोजन दशरथ मैदान पर किया गया। दशरथ मैदान पर रावण दहन का आयोजन पिछले 56 सालों से लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर रावण के 101 फीट ऊंचे पुतले का निर्माण किया गया। रावण दहन के पहले यहाँ पर रंगारंग आतिशबाजी की गई। इस बार के रावण में खास बात यह थी कि लगातार हो रही बारिश को देखते हुए दशानन के पुतले को छतरी लगाई गई थी, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। रावण दहन के पूर्व उसके सिर से सुंदर आतिशबाजी की जा रही थी। आतिशबाजी के बाद यहाँ परंपरा अनुसार रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। रावण दहन के पहले यहाँ आए राम लक्ष्मण व हनुमान जी का पूजन किया गया। पूजन के बाद भगवान राम ने तीर चलाकर रावण के पुतले को आग के हवाले किया। दहन के पश्चात बुराई पर अच्छाई की जीत पर सभी ने विजयादशमी पर्व की एक दूसरे को बधाइयां दी। जी, अधर्म पर धर्म की जी, बुराई पर अच्छाई की जी।